Chandrayaan 2 unfortunately failed to complete its landing on the moon and crashed. India, country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. What does India hope to get out of this? What is coming out of here? India is all set to go back to the moon. Today, dopahar, Bharat itihas rachega. 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. नमस्ते दोस्तों, 14 जुलाई 2023 हर भारतीय नागरिक के लिए ये एक बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के मात्र 4 सालों के भीतर भारत ने चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये सफर इसरो के लिए आसान नहीं रहा। साल 2014 में मंगलयान के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने न्यूज़पेपर में एक कार्टून पब्लिश किया था, जिसमें भारत के स्पेस प्रोग्राम को बजट और लो कैटेगरी का दिखा के उसकी बहुत मौकरी की गई थी और बाकी स्पेस फेयरिंग नेशंस को एक अलग ही एलीट कैटेगरी में दिखाया गया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब भारत अपना नाम उन चुनिंदा देशों में लिखवाने जा रहा है जो कि चांद पे स्पेसक्राफ्ट की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करने की काबिलियत रखते हैं। आज की इस चर्चा में हम तीन चीजों को थोड़ी डिटेल लेकिन सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, कि कितना महत्वपूर्ण है चंद्रयान प्रोग्राम भारत की स्पेस एम्बिशंस के लिए और क्या रिश्ता है इसका भारत और चाइना के संबंधों से। दूसरा, कि कैसे चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख कर इसरो ने चंद्रयान 3 को एक फेलियर प्रूफ मिशन बनाया है। और तीसरा, कि चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस क्या रोल प्ले करेगी भारत के जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके बढ़ते हुए कद में। तो दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। 1960 के दशक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और यूएसएसआर के बीच में स्पेस एक्सप्लोरेशंस को लेकर एक रेस सी लगी हुई थी और 1970 के दशक तक यूएसएसआर इसमें लीड कर रहा था और कई स्पेस रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर चुका था। 1957 में पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च करना, 1969 में लूना 2 नामक स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली मून की सरफेस पे लैंड करवाना, 1961 में यूरी गैगरिन द्वारा धरती को ऑर्बिट करने वाला पहला इंसान बनना और 1966 में लूना 9 नामक एक स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र बन जाना। इस तरह की कई उपलब्धियां यूएसएसआर अपने नाम कर चुका था और नासा के ऊपर काफी प्रेशर बन रहा था कि वो कैचअप करे यूएसएसआर के स्पेस प्रोग्राम्स के साथ। और 1970 खत्म होने के जस्ट एक साल पहले 1969 में वो कारनामा नासा ने कर दिखाया। अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग को चांद की सतह पर ना सिर्फ उतारा बल्कि उन्हें धरती पर वापस लेकर आए और ऐसा करने की काबिलियत रखने वाला यूएस दुनिया का पहला और एकमात्र राष्ट्र बन गया। ऐसा करने के बाद ग्लोबली मून एक्सप्लोरेशंस में थोड़ी कमी आ गई। किसी भी दूसरे राष्ट्र ने मून पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन यह सब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला था। चीन के चांगी 3 एयरक्राफ्ट ने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करके वो कारनामा कर दिखाया जो बहुत समय से किसी और राष्ट्र ने करने का प्रयास भी नहीं किया था। अब यहां पे मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ लाने की कोशिश करूंगा कि जो स्थिति यूएस की 1970 में थी, जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में यूएसएसआर एक के बाद एक उपलब्धि अपने नाम किए जा रहा था, इसी तरह 21वीं सदी में चीन ने अपने स्पेस प्रोग्राम पे काफी जोर दे रखा है और ग्लोबल स्पेस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए भारत का चीन से आगे निकलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन के मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की शुरुआत 2007 से हुई जब चांगी 1 एयरक्राफ्ट ने मून पे सक्सेसफुली ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एक ऑर्बिटर जो चांद के चारों तरफ घूम रहा है, उसने मून की सतह पे कुछ गिराया और उस इंस्ट्रूमेंट ने अपने ड्रॉप के दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसका रिजल्ट अपने ऑर्बिटर को भेज दिया। इसके जवाब में साल 2008 में भारत ने भी अपना चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया और इसने सक्सेसफुली ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके दिखाया। और इसी चंद्रयान 1 मिशन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है मून के एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस को कंफर्म करना। हालांकि यहां भी पश्चिमी देशों ने भारत के साथ विश्वासघात किया। चंद्रयान 1 अपने साथ 2 इक्विपमेंट्स कैरी कर रहा था, एक था भारत का चेज और दूसरा नासा का M3 यानी कि मून मिनरोलॉजी मैपर। अब इन दोनों इक्विपमेंट ने चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस होने को कंफर्म किया, लेकिन पेपर पहले पब्लिश किया नासा ने और मून के एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स को खोजने की उपलब्धि नासा के नाम कर दी गई। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और वो लग गए चंद्रयान 2 की तैयारी में। अब यहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि साल 2013 में चीन का चांगी 3 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंड कर चुका है और भारतीय वैज्ञानिकों पे इस बात का काफी दबाव है
कि वो चंद्रमा की सतह पे अपना स्पेसक्राफ्ट जल्द से जल्द लैंड करवाएं। फिर चीन और दुनिया के हर देश को जवाब देने के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि भारत का स्पेसक्राफ्ट ना सिर्फ चंद्रमा पे लैंड करेगा बल्कि वो चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करेगा। अब यहाँ पे साउथ पोल का क्या महत्व है ये समझने के लिए मैं आपको चंद्रमा की ज्योग्राफी समझाता हूँ। दोस्तों, हमारी धरती अपनी एक्सेस पे 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड है, इसलिए हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को सनलाइट मिलती है ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए हर साल, और इन रीजन्स पे साल में 6 महीने दिन रहती है और 6 महीने रात। लेकिन हमारे चंद्रमा का एक्सल टिल्ट सिर्फ 1.5 डिग्री है, यानी कि ऑलमोस्ट 0। अब इस वजह से हमारे चांद के पोलर रीजन्स में कई ऐसे हिस्से हैं जहां आज तक सनलाइट कभी पहुंची ही नहीं है, और यहां का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब इतने कम टेम्परेचर में दोस्तों कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करता, और सनलाइट की अवेलेबिलिटी में सोलर पैनल कैसे चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सनलाइट या टेम्परेचर तक सीमित नहीं है, चंद्रमा के साउथ पोल में कई इतने बड़े बड़े क्रेटर हैं कि वहां एक बार इक्विपमेंट गया तो गया, वहां से निकलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने फैसला किया है कि भारत का चंद्रयान तो चंद्रमा के साउथ पोल पे ही उतरेगा, और सारी दुनिया को यह करके दिखाएगा कि जो काबिलियत हमारे भारतीय वैज्ञानिकों में है वो किसी और में नहीं। लेकिन साउथ पोल पे लैंडिंग अटेम्प्ट करना सिर्फ अपने साथ चुनौतियां नहीं अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आया है। पहली तो ये कि चंद्रयान 1 के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि चंद्रमा के साउथ पोल में काफी मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है। दूसरी ये कि चंद्रमा के साउथ पोल में सब जीरो टेम्परेचर और सनलाइट की अनअवेलेबिलिटी के कारण काफी चीजें लंबे समय से फ्रोजन स्टेट में प्रिजर्व हैं, और इनकी स्टडी करके हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और कई दूसरे सीक्रेट्स के बारे में काफी गहरी बातें पता चल सकती हैं। और तीसरी बात ये कि चंद्रमा के साउथ पोल के डिफिकल्ट टेरेन में लैंडर को लैंड कराना और रोवर के जरिए एक्सपेरिमेंट्स करके जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमारे इसरो के साइंटिस्ट हासिल करेंगे वो दूसरे ग्रहों के एक्सप्लोरेशन और बाकी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी वैल्यूएबल इंसाइट देंगे। उम्मीद है कि अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चीन के स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के जवाब में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने यह फैसला क्यों किया कि हम अपना एक्सप्लोरेशन तो चंद्रमा के साउथ पोल पे ही भेजेंगे। और इसरो के वैज्ञानिकों के इस विजन को पूरा सपोर्ट मिला हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। एक बार इसरो के बजट पे नजर डालते हैं। साल 2014 में भारत के स्पेस प्रोग्राम का सालाना बजट सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। 10 सालों के भीतर साल 2023-24 में ये बढ़कर 12,500 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। और मोदी जी का कितना सपोर्ट है चंद्रयान मिशन को ये जानने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि चंद्रयान मिशन के आखिरी क्षणों में जब लैंडर मून पे लैंड करने वाला था तो मोदी जी स्वयं मौजूद थे बेंगलुरु स्थित इसरो हेडक्वार्टर्स में, और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ हर एक्टिविटी को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन जब चंद्रयान 2 मिशन का संपर्क लैंडर से टूट गया और मिशन फेल हो गया तो मोदी जी ने इसरो के चीफ के शिवन को गले लगाते हुए कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा है, हमें पता है कि आप बहुत जल्द हमें खुश होने का दूसरा मौका दोगे और भारत का सर गर्व से ऊंचा करोगे। अब आप ही बताइए, किसी देश का लीडर अगर अपने वैज्ञानिकों को गले लगाकर ये कहेगा कि देश को उन पे पूरा भरोसा है तो भारत जैसे प्रतिभाशाली देश में कौन सा कारनामा नहीं कर सकते हैं हम। खैर, हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की तैयारी में लग जाते हैं, और इस आग में घी डालने का काम करता है चीन का चांगी 4 स्पेसक्राफ्ट। साल 2019 में चीन की तरफ से अनाउंसमेंट आता है कि उन्होंने चंद्रमा के फार साइड, यानी कि चंद्रमा का वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता, उन्होंने वहां पे स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की उपलब्धि हासिल कर ली है। और इसी अनाउंसमेंट के महज 4 सालों के अंदर हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो चुका है और वो अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच गया है, और बहुत ही जल्द अपनी चंद्रमा की तरफ की जर्नी वो स्टार्ट करने वाला है। आइए अब ये देखते हैं कि चंद्रयान 2 की असफलता से क्या सीखा इसरो ने, और चंद्रयान 3 में वो क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं कि इसरो चीफ काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सफल जरूर होगा। दोस्तों, किसी भी मून मिशन के 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 होता है स्पेसक्राफ्ट को एक रॉकेट के जरिए जमीन से अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचाना। स्टेप 2 होता है स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट से चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचाना, और स्टेप 3 और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है चंद्रमा की ऑर्बिट से उस स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर उतारना। चंद्रयान 3 को धरती की सतह से अर्थ की ऑर्बिट में रखने का काम LVM3 रॉकेट के जरिए किया जा रहा है, जो कि एक बाहुबली रॉकेट है और काफी काबिल है। चंद्रयान 2 के मिशन में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। अब दूसरे स्टेप में स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड रॉकेट थ्रस्टर्स और बूस्टर्स के जरिए उसे धरती के चक्कर कटवाए जाते हैं और उसकी स्पीड इतनी बढ़वाई जाती है कि वो स्लिंगशॉट की तरह चंद्रमा की ऑर्बिट में चले जाए। ये दोस्तों आपने अपने बचपन में देखा होगा कि
कि अगर आप किसी पत्थर को रस्सी में बांधकर उसे गोल गोल घुमाकर अचानक से छोड़ देते हो तो वो पूरी गति से सामने की तरफ चला जाता है। और ऐसा ही कुछ इस स्पेसक्राफ्ट के साथ किया जाने वाला है। उसे धरती से एक स्लिंगशॉट की तरफ फेंका जाएगा जिसे चंद्रमा की ग्रेविटी कैप्चर कर लेगी और चंद्रमा की ऑर्बिट में आने के बाद ये धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर के रेडियस पे लाएगा। और उसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा जो कि है चंद्रमा की सतह पे लैंड करने का। और चंद्रयान 2 मिशन की फेलियर से सीख लेते हुए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन में हर फेल सेफ की एक रिडंडेंसी ऐड कर दी है। एडिशनल सोलर पैनल, एडिशनल फ्यूल, एडिशनल कैमरा, एडिशनल एंटेना और क्या क्या नहीं ऐड किया इन्होंने। जमीन पे लैंड करने के बाद लैंडर को कोई डैमेज ना हो इसके लिए उसके पैरों को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया गया है। अब चंद्रयान 2 के फेलियर की एक मेजर वजह थी हमारे पास चंद्रमा के साउथ पोल की ज्योग्राफी का लिमिटेड नॉलेज होना। इस वजह से चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को एक 500 स्क्वायर मीटर बाय 500 स्क्वायर मीटर की छोटी जगह मिली थी जहां उसे लैंड करना था। अब जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था तो वो अपने लैंडिंग साइट से काफी दूर था, तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स उसे ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अपनी स्पीड बढ़ाओ दूसरी दिशा में ताकि वो लैंडिंग साइट पे पहुंच सके। लेकिन साथ ही साथ जमीन सामने आ रही थी तो दूसरे कंप्यूटर्स उसे ऐसी सलाह दे रहे थे कि अपनी स्पीड कम करो वरना तेज गति से जाके टकरा जाओगे और चकनाचूर हो जाओगे। इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को उस लैंडर का सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर पाया और अल्टीमेटली रिजल्ट वो हुआ जो हम सबको पता है। लैंडर अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाया, उसका संपर्क टूट गया और अल्टीमेटली वो क्रैश हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उसका ऑर्बिटर आज भी ऑपरेशनल है और चंद्रमा की सतह की हाई रेजोल्यूशन इमेज खींचकर वो भारतीय वैज्ञानिकों को सतह पर भेज रहा है। अब इसरो के चीफ एस सोमनाथ की माने तो इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को एक फेलियर बेस्ड डिजाइन सिस्टम पे डिजाइन किया है। यानी कि चंद्रयान 2 के लैंडिंग में जो भी गलतियां हुई थी उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए जो भी एडिक्वेट सिस्टम इंप्लीमेंट करने हैं वो सब कुछ चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में ऐड किए गए हैं। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा सेंड की हुई हाई रेजोल्यूशन इमेज का यूज करके इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार एक 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का प्लेट्यू लोकेट किया है चंद्रमा के साउथ पोल पे 2 क्रेटर्स के बीच में। अब इतनी बड़ी जगह पे लैंड करना काफी आसान है और साथ ही साथ इस लोकेशन की हाई रेजोल्यूशन इमेज लैंडर में ऑलरेडी फीड कर दी गई है ताकि ऑनबोर्ड कैमरा का इस्तेमाल करके लैंडर खुद देख सकता है कि वो सही जगह पे लैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा और खुद ही कोर्स करेक्शन कर सकता है। साथ ही साथ इस लैंडर का सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड कर दिया गया है ताकि कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस अगर उसे मिले तो वो कंफ्यूज ना हो और सही तरीके से लैंड कर जाए। अब इतने फेलियर प्रूफ सिस्टम्स ऐड करने के बाद मोटा मोटा आपको भी समझ आ ही गया होगा कि चंद्रयान 3 के फेल होने की संभावना तो काफी कम है और भारत का नाम इस बार उन ऐतिहासिक देशों की लिस्ट में जरूर ऐड हो जाएगा जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की काबिलियत रखते हैं। और भाई चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने की काबिलियत तो अकेली भारत के पास ही होगी। अब दोस्तों आपके मन में भी वही सवाल आ रहा होगा जो 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी के मन में आया था जब विक्रम साराभाई उनसे इंकोस्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए फंड्स मांगने गए थे कि भाई इतने सारे पैसे खेती को दें, इंडस्ट्री को दें या फिर विक्रम साराभाई को दे दें। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सही फैसला किया उसका इम्पैक्ट आज हम सभी को दिखता है। तो आइए हम भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी तो है, इतने सारे रॉकेट्स हैं, इसरो इतने पैसे कमा रहा है, फिर ये मून मिशन, मार्स मिशन, इन पे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें 2 चीजें समझने की जरूरत है। पहली है इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी और दूसरी है जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। आइए सबसे पहले इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी को समझते हैं। तो दोस्तों भविष्य की लड़ाइयां जमीन पे नहीं लड़ी जाएंगी, वो लड़ी जाएंगी इंफॉर्मेशन के जरिए। अब कोई भी देश हमारी सैटेलाइट्स को डिसेबल करके हमें कमजोर बना सकता है या फिर हमें गलत डेटा फीड करके हमारी इकोनॉमी को नीचे ला सकता है। अब इन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम जो कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं जैसे कि लॉन्ग रेंज इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ऑल वेदर ऑल सिचुएशन प्रूफ सैटेलाइट्स, ये ऐसे इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर के सिचुएशन में हमें काफी डोमिनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आइए दूसरे फैक्टर को एक्सप्लोर कर लेते हैं जो है जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। तो दोस्तों दुनिया की कई छोटी छोटी कंट्रीज यूजुअली उन कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं जो उनकी कम्युनिकेशन नीड्स को फुलफिल कर सकती हैं, यानी कि जो उनको जीपीएस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, जो उनको सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। और इसलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक हाई लेवल कैपेबिलिटी होना भारत को उन कंट्रीज का सपोर्ट और एक जियोपॉलिटिकल डोमिनेंट सिचुएशन प्रोवाइड करेगा जहां पे एक वॉरफेयर या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पे बड़ी कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो इन सारी छोटी छोटी कंट्रीज का सपोर्ट इकट्ठा करना अपने फेवर में भारत के लिए काफी आसान रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के मोमेंट्स पूरे भारत को यूनाइट कर देते हैं। आज एक भारतीय चाहे वो इस देश में हो या विदेश में हो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाए। यहां तक कि फ्रांस में भी जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे तो जैसे ही उन्होंने चंद्रयान 3 का जिक्र किया हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
मैं भी तहे दिल से आशा करता हूं कि चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो और भारत इसी तरह से प्रगति के मार्ग पे बढ़ता जाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।